नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 5, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इसे किसने लिखा है? सुनील शास्त्री जी ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1950। इनका परिचय देख लेते हैं। तो सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। ठीक है, आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनके लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्करण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख, कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। समझ में आया आपको? मतलब ये जो संस्मरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो लेखक हैं उन्होंने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई और पर दुख, कातरता आदि गुणों को बड़े ही अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब, जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आए। तो देखिए यहाँ पर जो सुनील शास्त्री जी हैं वो क्या कहते हैं कि हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा था। मतलब जब तक हमारे बाबूजी थे तब तक हमें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं हुई थी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। मतलब उनके न रहने के बाद, मतलब जब वो नहीं थे तब जो कुछ मुझ पर बीता, जैसे कि मुझे क्या करना पड़ा, बैंक में नौकरी करना पड़ा, तो वह दूसरी तरह का अभाव था। लेकिन जब बाबूजी थे तब हमने कुछ भी अभाव नहीं देखा था। ठीक है, लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। और जब मेरे बाबूजी थे और जब मैं जन्मा था तब वो क्या थे, उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को क्या कहा जाता था, पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि मैं हमेशा क्या कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, क्योंकि उस टाइम पर उनके पिताजी क्या थे, गृह मंत्री, मतलब पुलिस मंत्री थे ना। तो उस टाइम पे वो कल्पना किया करते थे कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बल्कि हमारे पास तो आलीशान गाड़ी, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बाबूजी प्रधानमंत्री हुए और फिर बाद में क्या होता है कि बाबूजी क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री। बाबूजी मतलब सुनील शास्त्री जी के पिताजी। समझ में आया आपको? तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। और देखिए जब इनके बाबूजी क्या बन गए, प्रधानमंत्री हुए, तब उनको कौन सी गाड़ी मिली थी, इम्पाला शेवरलेट गाड़ी मिली थी, जो कि बहुत बड़ी होती है। ठीक है, उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। और फिर यहाँ पर लेखक जी क्या कहते हैं कि जब हमारे पिताजी क्या हुए, प्रधानमंत्री हुए, तो कौन सी गाड़ी खड़ी थी, इम्पाला शेवरलेट, तो उसे देख देख बड़ा जी करता, क्या जी करता, कि मौका मिले और मैं उसे चलाऊँ। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। और फिर यहाँ पे लेखक जी कहते हैं कि मैं तो किसका लड़का था, प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात थोड़ी ना थी। सोचते विचारते कल्पना
कि उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। और फिर मैं यही सोचता रहता था कि मुझे एक दिन मौका मिले, मैं क्या करूँ, उस गाड़ी को चलाऊँ। और एक दिन मुझे मौका मिल भी गया, ठीक है। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की, और धीरे धीरे मेरी हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। जैसे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको नौकर भी तो दिया जाता है ना, तो उनको कुछ काम रहता है उनका, तो वो सभी करते हैं। तो ये जो सुनील शास्त्री जी थे, ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, क्या कहा, कि सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आए, ठीक है। अब उसके आगे क्या होता है देखिए, 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। फिर क्या होता है कि 2 मिनट में गाड़ी दरवाजे पर आकर के लग गई, और फिर अनिल भैया क्या कहते हैं कि मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। और फिर सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा और ड्राइवर से चाबी मांगी, फिर मैंने उसको क्या बोला कि तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी, ठीक है। फिर गाड़ी ले हम चल पड़े, क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। फिर यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि गाड़ी ले हम चल पड़े, मतलब गाड़ी लिया हमने और फिर चल पड़े। और जब मुझे वो याद आता है, मतलब वो दृश्य जब मुझे याद आता है कि मैंने वो गाड़ी चलाई थी, तब उसे याद कर बदन में क्या आने लगती है, झुरझुरी आने लगती है, ठीक है। जिसके यहाँ खाना था, मैं हम लोग कहाँ पे पहुँचे, उसके वहाँ पे पहुँचे, और बातचीत का हमें तो ध्यान ही नहीं रहा, और फिर क्या हो गई, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, और फिर अचानक से याद आता है कि हाँ कौन आ गए होंगे, बाबूजी आ गए होंगे, ठीक है। वापस घर आ, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। फिर यहाँ पर जो लेखक है वो क्या कह रहा है, क्योंकि जब उन्होंने जिसके वहाँ पे खाना खाने गए थे, वहाँ पर बातचीत में ही ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो उन्होंने क्या सोचा कि बाबूजी आ गए होंगे। तो फिर घर आने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो घर का फाटक था ना, उसके पहले ही उन्होंने गाड़ी को रोक दिया, और फिर उतर करके गेट तक आया, मतलब उन्होंने गेट से पहले ही क्या किया था, गाड़ी को रोक दिया था, और फिर नीचे उतर करके वो गेट तक आए, और उन्होंने संतरी से कहा, क्या कहा, कि यह सैल्यूट वैल्यूट रहने दो, पहले तो तुम क्या करो, धीरे से गेट खोल दो, और अगर यह आवाज़ करती है तो बंद मत करो, खुला ही छोड़ दो, ठीक है। बाबू जी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी, और फिर गेट की आवाज़ से बाबू जी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा, वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, संतरी से जैसा कहा गया उसने किया, दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। देखिए क्या होता है कि बाबूजी का डर, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि धीरे से क्या करो, गेट खोलो, और अगर गेट आवाज़ करती है तो बंद मत करो, ऐसे ही खुला छोड़ दो, क्यों कहा था उन्होंने ऐसा संतरी को, क्योंकि बाबूजी का डर था, अगर वो खटपट सैल्यूट मारेगा तो क्या होगी, आवाज़ होगी। फिर जो पिताजी हैं बाबूजी, उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग क्या हो गए हैं, लौट आए हैं, ठीक है, और वो बेकार में ही पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक अगर सुबह पूछे तो ठीक है, क्योंकि तब तक तो वो बात तो थोड़ी पुरानी हो गई रहेगी, लेकिन अभी ताज़ा है। तो संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा किया, और फिर दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही कौन मिली, अम्मा मिली, पूछा, मतलब लेखक जी कहते हैं कि मैंने पूछा, क्या पूछा, बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं, तो फिर अम्मा क्या कहती हैं कि हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया, ठीक है। तो अम्मा ने क्या कहा कि हाँ पूछा था, मतलब आ गए हैं, और पूछा था मैंने बता दिया। अब आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। और फिर यहाँ पर लेखक जी क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि वो अंदर आते हैं किचन के दरवाजे से पीछे से, तो अम्मा मिलती हैं, फिर वो अम्मा से पूछते हैं कि अम्मा बाबूजी आ गए हैं, कुछ पूछा तो नहीं, तो फिर अम्मा ने क्या कहा कि हाँ आ गए हैं, पूछा था मैंने बता दिया। फिर ये लेखक जी कहते हैं कि उसके आगे मुझे उनसे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उन्होंने पूछा तुमने बताया,
तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, मतलब उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा, ऐसा मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर मैंने अम्मा से कहा, क्या कहा, कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, मैं देर तक सोऊंगा। समझ में आया आपको? देखिए, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। फिर सुबह 5:30-6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। फिर क्या होता है, लेखक जी लिख रहे हैं कि सुबह 5:30-6 बजे किसी ने क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया और मेरी नींद क्या हुई, टूट गई। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, क्या कहा, कि देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। ठीक है, फिर आगे, यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, और मैंने क्या सोचकर ये सारी उसको बातें कही कि कोई नौकर आया होगा चाय लेकर, ठीक है। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। फिर लेखक जी क्या लिखते हैं कि लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी, मतलब मैंने ऐसा मना किया कि मुझे सोने दो, लेकिन फिर से उन किसी ने क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है। तो फिर झुंझलाता हुआ जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। और फिर देखिए, जैसे हम सोते रहते हैं, कोई हमें आकर के जगाता है तो हम उठते हैं ना बड़बड़ाते हुए, तो ये लेखक भी क्या कहते हैं कि मैं भी ऐसे बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और फिर क्या पाया कि कौन खड़े हैं, बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ ना सूझा, माफ़ी मांगी, ठीक है, माफ़ी मांगी, और फिर उनसे क्या कहा कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, बेध्यानी में मैंने ये सारी बातें बोल दी। तो बाबूजी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। अब क्या होता है कि लेखक जी आगे लिख रहे हैं कि फिर मैंने हाथ मुंह धो करके हम चाय पीने के लिए टेबल पर पहुंचे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, मतलब हमने वो गाड़ी लेकर के गए थे घूमने, शायद उनको मालूम है राम कहानी का मतलब, यही तो पहले तो यही हुआ था ना। तो उन्होंने कोई भी उसके लिए तर्क नहीं किया और न ही कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे। देखिए, फिर बाबूजी जो थे वो चाय पीते पीते बोले, क्या कहते हैं कि अम्मा ने कहा था कि तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे। फिर जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि हाँ बाबूजी, हम कहाँ पर गए थे, एक जगह खाने पर गए थे। फिर उन्होंने आगे प्रश्न किया, कौन सा प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे, जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे। फिर यहाँ पर बाबूजी प्रश्न पूछ रहे हैं कि लेकिन खाने पर गए तो कैसे, क्योंकि जब मैं आया था तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, मतलब जो हमारी गाड़ी थी वो कहाँ पर खड़ी थी, गेट पर खड़ी थी, फिर तुम गए तो गए कैसे। तो फिर इन्हें कहना पड़ा, क्या, हम हिमपाला शेवरलेट लेकर गए थे। अब बाबूजी क्या कहते, बोले, क्या बोल रहे हैं, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। कौन बोल रहे हैं ऐसा, पिताजी बोल रहे हैं बाबूजी कि ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। फिर बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग 9 के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया, मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया, उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना। देखिए क्या होता है कि फिर यहाँ पे लेखक आगे क्या लिख रहे हैं कि बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग 9 के बराबर करते थे, मतलब जब कोई स्टेट गेस्ट आते थे तभी वह निकलती थी।
ठीक है। और उनकी बात सुनने के बाद मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा किसका है, इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। फिर चाय खत्म कर उन्होंने कहा, क्या कहा कि सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। फिर मैंने क्या किया, मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, क्या पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? तो उसने क्या उत्तर दिया, हाँ मैं उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो मतलब? फिर जो बाबूजी थे लाल बहादुर शास्त्री जी पूछ रहे हैं उस ड्राइवर से कि एंट्री करते हो, तो कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। फिर जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने उस ड्राइवर से पूछा कि कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई, तो उसने क्या कहा कि 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। और फिर उन्होंने उस ड्राइवर से कहा कि तुम उसमें लिख दो कि 14 किलोमीटर किसके लिए, निजी उपयोग के लिए। समझ में आया आपको? तब भी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, इतना उन्होंने मतलब कहा कि तुम अपने लॉग बुक में एंट्री कर लो कि 14 किलोमीटर लिख देना निजी उपयोग के लिए। फिर भी उनकी बात हमें समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने किसको बुलाया, अम्मा को बुलाने के लिए कहा। और अम्मा जी के आने पर बोले, क्या बोले, कि सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। ठीक है, फिर इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर लेखक जी क्या बोल रहे हैं, चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब उन्होंने उनके पिताजी ने क्या कहा कि उस ड्राइवर से कहा ना कि लिख लो अपने लॉग बुक में कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग, फिर भी इनकी इनको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने किसको बुलाया, अम्मा को बुलाया। और फिर अम्मा जी के आने पर बोले कि सहाय साहब से कहना, क्या कहना, कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। समझ में आया आपको? फिर और इतना तो उनका कहना था कि हम अनिल और अनिल भैया वहाँ पर रुक नहीं सके और जो रुलाई छूटी कि वह कमरे में पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। ठीक है, और फिर यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि आपसे यह बात मैं कोई शान के तहत नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, पर इसलिए कि ये बातें हमारे लिए आदर्श बन गई हैं। मतलब यहाँ पे लेखक जी कह रहे हैं कि मैं आपसे ये बातें कोई शान के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ कि ये बातें हमारे लिए क्या बन गई हैं, आदर्श बन गई हैं। अब सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। फिर यहाँ पे जो लेखक जी हैं वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? अब तो नहीं होगी, क्योंकि इतना सब चीज़ होने के बाद, ठीक है, अब तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आप ही सोचिए, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हो, पानी बरसने पर रिक्शे से भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता।
समझाने की कोशिश करता हूँ। जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ न्यू को पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। अब आगे देखते हैं। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। अब यहाँ पर लेखक अपने बचपन के दिन के बारे में बता रहे हैं कि याद आते हैं वे बचपन के दिन, मतलब वो कितने हसीन थे वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए थे। और जो उनके बाबूजी थे वो क्या करते थे, उन्हें अपना व्यक्तिगत काम ना अपने बच्चों को दे देते थे। ठीक है, तो लेखक जी लिख रहे हैं कि तो हम भाइयों में क्या लगी रहती थी, एक होड़ सी लगी रहती थी कि किसको कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, क्या कहते हैं कि सुनील, मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। ऐसा किसने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, ऐसा लेखक लिख रहे हैं। ठीक है, सुनील से कहा। सुनील कौन है, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा। फिर मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। और फिर यहाँ पर लेखक जी क्या लिखते हैं कि मैंने स्कूल से लौट करके सारा काम कर दिया था, मतलब जैसा बाबूजी ने कहा था मैंने वैसा सब कुछ कर दिया था, और दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। और फिर पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कि तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे कुर्ते कहाँ हैं। तो मैं बोला, मैं मतलब कौन, सुनील ने कहा। क्या कहा, वे कुर्ते भला, कोई यहाँ से फट रहा था कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। और फिर यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं, अपने पिताजी से कहते हैं कि वे कुर्ते भला, कोई यहाँ से फट रहा था कोई वहाँ से फट रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, जो कुर्ते थे वो अम्मा को दे दिए हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि यह कौन सा महीना चल रहा है, तो मैंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, फिर वो आगे जोड़ते हैं, क्या कहते हैं कि अब क्या आएगा, नवंबर आएगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर आता है, जाड़े के दिन होंगे तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। फिर देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, जब सबसे पहले तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि कुर्ते कहाँ हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अम्मा को दे दिए। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन सा महीना चल रहा है, तो इन्होंने जवाब दिया अक्टूबर का। तो फिर वो क्या कहते हैं कि अब आगे क्या आएगा, नवंबर आएगा, मतलब जाड़े के दिन होंगे, तब ये जो सभी कपड़े हैं ना ये काम आएंगे, क्यों, ऊपर से मैं क्या पहन लूंगा, कोट पहन लूंगा, तो नीचे फटा भी रहेगा तो भी चलेगा। मैं देखता रह गया, क्या कर रहे हैं बाबूजी, वे कहते जा रहे थे ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि मैं देखता रह गया कि क्या कर रहे हैं बाबूजी, वे कहते जा रहे थे ये सब किसके कपड़े हैं, खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। ठीक है, यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। और फिर यहाँ पर लेखक जी कह रहे हैं कि यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। ठीक है, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं मैंने देखा था, कि एक बार उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना फटा हुआ कुर्ता अम्मा को देते हुए कहा था कि इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद यह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। यह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। फिर यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि बाबूजी का एक तरीका था, क्या तरीका था, जो अपने आप आकर्षित करता था, मतलब वो कहते नहीं थे,
वो स्वयं उस काम को करते थे, जिससे क्या होते थे, हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। अगर वो सीधे सीधे कहते कि सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद ही मैं उनकी बात सुनता। लेकिन जब उन्होंने मुझे ऐसा बताया, जैसे उन्होंने फटे कपड़े को भी उपयोग किया, उनको क्या बोला, उनका रुमाल बनाने के लिए, ठीक है, तो जो उनका ये व्यक्तित्व था, ये क्या करता था, स्वतः ही आकर्षित कर लेता था, ठीक है, और उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती हैं क्या बताती हैं कि हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसके ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। और फिर अम्मा क्या बताती हैं कि हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर, जैसे शादी होती तो चढ़ावा आता है ना, तो चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने ही आए थे, लेकिन जब हम विदा हुए, मतलब उनकी अम्मा जब वो विदा हुई और रामनगर वहाँ पर गई, तो उन्हें मुँह दिखाए में गहने मिले, ठीक है। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। और जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों क्या हुआ था, तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था, मतलब लाल बहादुर जो शास्त्री थे उनके चाचा जी को क्या हुआ था, कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी किन पर आ गई थी, हम पर आ गई थी, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी पर आ गई थी। फिर उसके बाद उसके ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कोई पूछताछ की और हमने इसके बारे में कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत हमने समझी ही नहीं और ना ही हमने कभी पूछताछ की कि घाटा कैसे लगा था, क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, ठीक है। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे, वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा रोक न सके, कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगे और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। फिर यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं कि अम्मा ने क्या कहा कि एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए हमसे क्या मांगे, वो गहने मांगे, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये गहने ना दूँ, थोड़ी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे गहने देने से ये खुश रहते हैं तो मैं ये गहने दे देती हूँ। मैंने सारे गहने दे दिए, क्या क्या रखा, बस टीका नथुनी और बिछिया रख लिए थे, क्यों, क्योंकि ये उनके सुहाग की निशानी थी। उस दिन तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब तुम्हारे पिताजी ने उस दिन तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा रोक न सके, कहने लगे कि तुम जब मिर्जापुर जाओगे और लोग गहने के बारे में पूछेंगे तो क्या कहोगी। फिर आगे क्या है देखिए, हम मुस्कुराई और कहा, फिर मैंने मुस्कुराया और कहा, यह अम्मा बता रही हैं, उसके लिए आप चिंता ना करें, हमने बहाना सोच लिया। कौन सा बहाना, हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है, तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। देखिए क्या कहते हैं कि जब इन्होंने दूसरे दिन पूछा कि जब तुम मिर्जापुर जाओगी तो वहाँ के लोग गहने के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलोगी, तो इन्होंने क्या कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने बहाना सोच लिया है, हम क्या कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, और फिर जो सुनील शास्त्री जी के पिताजी थे वो थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर बोले कि क्या कहते हैं, किससे कहते हैं, सुनील शास्त्री की अम्मा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत ही अच्छे परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है, तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने मैंने उतरवा लिए। हम बोली, अब माता जी क्या कहती हैं,
पर जो असल गहना है वह तो है। फिर माता जी ने क्या कहा कि आपने भले ही मेरे सारे गहने उतरवा लिए, लेकिन जो असली का गहना है वो तो मेरे पास है, हमें तो बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे, सदा ऐसे ही धुन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब शब्द संसार हम देख लेते हैं। हिदायत मतलब क्या? सूचना, निर्देश, ठीक है। फिर दस्तक मतलब दरवाजे पर आवाज़ करने की क्रिया। इजाज़त मतलब आज्ञा, स्वीकृति। बेतरतीब मतलब अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ। किफ़ायत मतलब मित व्यय। एंड मुहावरे इसका देखो, फूट फूट कर रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना, और देखते रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।